कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भारत में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाई जा सकती है। पीएम मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग किया। मीटिंग में 10 मुख्यमंत्रियों ने भारत में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर जोर दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद पीएम मोदी ने कहा कि जान है तो जहान है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कब संबोधित करेंगे, इसको लेकर कई अटकलें सामने आ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी जल्द ही देश को संबोधित कर लॉकडाउन की नई समय सीमा के बारे में बता सकते हैं। लॉकडाउन के कारण जहां सरकार के निर्देश पर जिले के सभी अस्पतालों की ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है, वहीं निजी अस्पताल भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद कर दिए गए हैं। आम लोगों की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने पत्र जारी कर निजी नर्सिंग होम एवं क्लिनिकों को खोलने की बात कही, जिससे किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या में व्यक्ति चिकित्सक से इलाज करा सके। लेकिन अधिकतर डॉक्टरों ने कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर एहतियातन अपने क्लिनिक को बंद कर रखा है। इसके पीछे चिकित्सकों का यह कहना है कि कौन मरीज कहां से आया और किस स्थिति में है, यह समझना मुश्किल है। यदि कोरोना से संक्रमित मरीज क्लिनिक में आता है तो उसके अनुसार सुरक्षा किट की जरूरत होगी। वहीं आईएमए की पहल पर शहर के कई निजी नर्सिंग होम एवं क्लिनिक को खोला गया है, जिससे कोरोना के अलावा अन्य किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित लोगों का इलाज किया जा सके। इसको लेकर डॉक्टर अंजुम परवेज ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए समय पर जांच कराने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना के डर से डॉक्टर अपने नर्सिंग होम या क्लिनिक को नहीं खोलेंगे तो इलाज के अभाव में लोग दूसरी बीमारियों से परेशान होंगे। हालांकि शहर में खोले जा रहे क्लिनिकों में फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। क्लिनिक को अपने प्रिकॉशन के लिए, अपने बचाव के लिए या पब्लिक के बचाव के लिए कोरोना वायरस से अगर क्लिनिक को बंद किया जाता है तो जैसे वो शेर है और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, उसी तरह से और भी बीमारियां हैं कोरोना वायरस के सिवा, है ना। बहुत तरह की बीमारी है जिसमें अगर एक दिन नहीं देखा जाएगा तो पेशेंट की जिंदगी भी जा सकती है। भागलपुर के एक चिकित्सक इन दिनों अपने कार्यों को लेकर काफी चर्चा में हैं। कभी डॉक्टर साहब लॉकडाउन में तैनात जवानों को सैल्यूट करते हैं तो कभी शहर में होर्डिंग लगवाकर कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ा रहे हैं। वहीं कचहरी चौक पर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करते हुए होर्डिंग लगाया है। होर्डिंग में डॉक्टर अजय ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग, मीडिया कर्मी और सफाई कर्मी समेत गरीबों को भोजन कराने वालों की तस्वीर लगाई है। अध्यक्ष ने कहा कि होर्डिंग के जरिए उनका उद्देश्य लोगों का मनोबल बढ़ाना है। इधर शनिवार को शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह भागलपुर के बाजारों में राक्षस के रूप में नजर आए। राक्षस की वेशभूषा में डॉक्टर ने सूजागंज, सब्जी मंडी, तिलका मांझी रोड समेत कई स्थानों पर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया। वहीं डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस को तभी मात दिया जा सकता है जब देश के सभी नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अभी इससे बचने का जो तरीका है, हाथ धोना, दूर रहना और मास्क पहनना, तो कई बार अभी लोग मास्क पहन के समझ रहे हैं कि हम सेफ हो गए। नहीं बंधु, जिस तरह से आप चावल के साथ दाल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, प्रोटीन भी आता है, कार्बोहाइड्रेट भी आता है, उसी तरह मास्क के साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की दूरी बगल अगल से रखना होगा। कोई भी व्यक्ति जो आपके बगल में खड़ा है, पीछे खड़ा है, दाएं बाएं खड़ा है, किसी में भी कोरोना हो सकता है, और यदि बचना है तो आप उससे 6 फीट का दूरी बना के रखिए, नहीं तो आए हैं लेने सब्जी और लेके जाइएगा साथ में कोरोना। मायागंज अस्पताल से इमरजेंसी सेवा को सदर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही इमरजेंसी सेवा के लिए 2 दर्जन से अधिक डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। इन सब के बावजूद भागलपुर सदर अस्पताल में इमरजेंसी सेवा के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है। सदर अस्पताल प्रबंधन जहां इमरजेंसी सेवा के लिए खुद को तैयार बता रहा है, वहीं दूसरे चिकित्सकों के समक्ष कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने अस्पताल में इमरजेंसी से जुड़ी कई सुविधाओं का अभाव होने की बात कही।
वहीं विगत दो दिनों में सदर अस्पताल इमरजेंसी सेवा में भर्ती होने वाले मरीजों को मायागंज अस्पताल भेज दिया जाएगा। एक ओर जहां सदर अस्पताल सुविधाओं का अभाव होने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर मायागंज अस्पताल प्रबंधन सरकार द्वारा प्राप्त आदेश के अनुसार JNMCH में कोरोना के अलावा किसी प्रकार के मरीजों की भर्ती नहीं करने की बात कर रहा है। सदर अस्पताल में जहां सुविधाओं का अभाव है और मायागंज अस्पताल भी सरकार के निर्देश का पालन कर रही है। लॉकडाउन के कारण सभी अस्पतालों की OPD सेवा बंद है और इमरजेंसी सेवा भी मायागंज अस्पताल और सदर अस्पताल के बीच फंसी हुई है। अब ऐसे में आम लोग आखिर कहां जाएं और कैसे इलाज कराएं, यह बड़ा सवाल है। लॉकडाउन में एक तरफ जहां लोगों की परेशानियां बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को इससे काफी फायदा हो रहा है। देश भर की नदियों में जहरीले केमिकल नहीं बह रहे हैं, जिसके कारण नदियों का पानी बिल्कुल साफ और स्वच्छ दिखाई पड़ रहा है। लॉकडाउन के 18वें दिन भागलपुर होकर गुजरने वाली गंगा नदी के जल में क्या बदलाव दिखा, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन पर्यावरण के लिए वरदान साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के गंगा नदी में बरारी घाट के समीप। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पवित्र गंगा जो बहती थी उसका पानी बिल्कुल स्वच्छ हो चुका है और स्वच्छ धाराएं बह रही हैं। यहाँ पर लॉकडाउन का जो पर्यावरण है उस पर काफ़ी असर पड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, उसमें काफ़ी कमी आई है। लॉकडाउन का कहीं ना कहीं काफ़ी व्यापक असर पर्यावरण पर दिख रहा है और साथ ही साथ लोगों का आना लॉकडाउन के कारण, जो लोग आते थे स्नान करने के लिए आते थे, गंगा स्नान करने के लिए आते थे, वो नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण गंगा नदी का पानी बिल्कुल स्वच्छ हो चुका है। और जो कल कारखाने थे, जो फैक्ट्रियां थी, जो हैंडलूम चलते थे या जो भी केमिकल निकलते थे, वो केमिकल नहीं के बराबर गंगा नदी में प्रवेश हो रहा है। हम आपको गंगा नदी का पानी दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये जो पानी है, कितना स्वच्छ पानी है, बिल्कुल स्वच्छ पानी। पहले ऐसा मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में यह पानी देखा है गंगा नदी का। बराबर गंगा नदी आता हूँ लेकिन इस तरह की जो पानी होती थी यहाँ नहीं देखने को मिलती थी। और इसका असर पड़ा भागलपुर की अगर बात करें तो भागलपुर में 70,000 से 75,000 के करीब गाड़ियां हैं और उसका भी प्रदूषण नहीं हो रहा है। और जो लोग आते थे गंगा नदी में स्नान करने के लिए, वो नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण हम आपको दिखाते हैं गंगा नदी की वह स्वच्छ धाराएं कि किस तरीके से स्वच्छ हो चुका है पूरा गंगा नदी। और जो यहाँ पर जो लॉकडाउन है उसका पर्यावरण पर काफ़ी असर दिख रहा है और पक्षियाँ और जो भी जलीय जीव है उनको काफ़ी राहत मिली है लॉकडाउन के कारण। तो जो लॉकडाउन है उसके कारण पर्यावरण को काफ़ी पर्यावरण संरक्षित हो रहा है और इस तरीके से जो पूरा गंगा नदी का इलाका है, देश में खबर आ रही है, जगह जगह से खबरें आ रही कि जो भी नदियां हैं उसकी पानी बिल्कुल स्वच्छ हो चुकी है। आपको हम फिर वो तस्वीर दिखाते हैं, पूरी तस्वीर गंगा नदी की यहाँ से बरारी घाट से कि किस तरीके से धाराएँ बह रही है पवित्र गंगा नदी में जो थी, जो दूषित लोगों ने कर दिया था गंगा नदी को। उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ, आज लॉकडाउन का 18वां दिन है लेकिन 18वें दिन जो धाराएं हैं, किस तरीके से जो पानी की धाराएं हैं जो बह रही हैं, स्वच्छ, बिल्कुल स्वच्छ धाराएं बह रही हैं। हम भी आपसे अपील करते हैं, सिल्क टीवी भी आपसे अपील करती है कि लॉकडाउन का पालन करें और पर्यावरण के संरक्षण में अपना सहयोग दें। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे गरीबों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पीरपैंती की मुखिया प्रीति कुमारी एवं पैक्स अध्यक्ष महेश राम ने अन्य राज्यों में फंसे अपने पंचायत के सभी मजदूरों के लिए 500 रुपए राहत के तौर पर देने की घोषणा की। मुखिया ने बताया कि पंचायत में लगातार राहत सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में फंसे सभी मजदूरों को 9771512170 पर कॉल कर जानकारी देने की बात कही। वहीं पैक्स अध्यक्ष महेश राम ने कहा कि सभी को साफ सफाई एवं लॉकडाउन का पूरा ख्याल रखना चाहिए। कई लोगों से मैंने फोन पर संपर्क किया, उन्होंने बोला कि भैया कभी कदाल संस्था के द्वारा खाना मिलता है लेकिन हमको बहुत दिक्कत है। तो हमने उनकी बातों को सुनकर प्रेरित होकर मैंने मुखिया जी का जो भत्ता मिलता है 2500 रुपया महीना, वो सारा पैसा जो अभी तक हम लोगों को मिला है, तो मुखिया जी से मैं सलाह करके वो सारा पैसा मैं सोमवार से
हर व्यक्ति का अकाउंट आ गया है, मजदूर का, श्रमिक जो बाहर में है हमारे पंचायत का सभी, मैं सारा पैसा उन लोगों को खाता में डाल दूंगा। जो पैसा बच जाएगी मजदूरों को देने के बाद, बाकी यहाँ के गरीब लोगों को, विधवा लोगों को, विकलांग लोगों को, जिसको सरकारी कार्ड सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं है, जिसको कोई सहायता नहीं मिल रही है, यही हमारी सोच है। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर नवटोलिया स्थित बगीचे में दहशत फैलने की मंशा से हवाई फायरिंग कर भाग रहे बदमाश सिंटू यादव को ग्रामीणों ने दबोच लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बदमाश सिंटू यादव की जमकर पिटाई की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मधुसूदनपुर पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से बदमाश सिंटू यादव को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार की शाम 72 बगीचे के पास बदमाश सिंटू यादव अपने सहयोगियों के साथ बैठा था, इसी दौरान उसके सहयोगियों ने हवाई फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनते ही ग्रामीण बगीचे की ओर दौड़े, तभी सिंटू यादव के सहयोगी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सिंटू यादव को हथियार के साथ पकड़ लिया। थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार चौधरी ने बताया कि सिंटू यादव के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मामला दर्ज है। भागलपुर शाहकुंड थाना क्षेत्र मुंजन गांव स्थित बहियार में एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शनिवार की सुबह चरवाहे ने बहियार में शव होने की सूचना ग्रामीणों और पुलिस को दी, जिसके बाद शाहकुंड थाना अध्यक्ष राजीव कुमार मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गए। मृतक की पहचान किशनपुर अमखोरिया निवासी नित्यानंद सिंह के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि 9 अप्रैल से वह गायब था, जिसके बाद शनिवार को बहियार में शव मिलने की सूचना मिली। अपर समाहर्ता कार्यालय में शनिवार को एडीएम राजेश झा राजा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में शंकरपुर दियारा एवं लक्ष्मीपुर दियारा के बीच सीमा विवाद का स्थायी समाधान करने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान एडीएम ने भागलपुर सदर एसडीओ, नवगछिया एसडीओ, डीसीएलआर, नवगछिया एसडीपीओ एवं नाथनगर सीओ को वर्षों से चले आ रहे सीमा विवाद को समाप्त कराने का निर्देश दिया। 27 अप्रैल को सरकारी अमीन के द्वारा दोनों दियारा क्षेत्र की मापी करवाने और हमेशा के लिए शंकरपुर एवं लक्ष्मीपुर दियारा का विवाद समाप्त कराने की बात कही। कहलगांव अनुमंडल के बुद्धूचक थाना क्षेत्र गौधट्टा गांव में शुक्रवार की देर रात चमरू यादव के घर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित चमरू यादव ने बताया कि घर में रखा सारा अनाज जलकर राख हो गया। देश में लॉकडाउन होने के कारण मजदूर तबके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शनिवार को अमरपुर अस्पताल की डॉक्टर दीप्ति सिन्हा आम लोगों के बीच अनाज वितरण करते नजर आई। डॉक्टर दीप्ति सिन्हा ने डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों के बीच दाल, आलू, चावल एवं सब्जी का वितरण डुमराना मैदान एवं कुल्हड़िया गाँव में किया। इस दौरान डॉक्टर ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग एवं साफ सफाई से कोरोना को हराया जा सकता है। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने और लॉकडाउन का पालन करने के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं भारत में मधुमेह रोगियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऐसे में डायबिटीज के मरीज अपने अपने घरों में रहकर कैसे कोरोना को हरा सकते हैं, इसको लेकर हमने बात की भागलपुर के प्रसिद्ध मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर कामरान खान से। निदान कुटीर का संचालन कर रहे डॉक्टर कामरान ने बताया कि आधुनिक जीवन शैली और आहार की अनियमितता की वजह से शुगर की बीमारी विकराल रूप लेते नजर आ रही है। वहीं लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर कामरान ने डायबिटीज के मरीजों को अपने चिकित्सक से परामर्श लेने की बात कही। साथ ही कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मरीजों को मॉर्निंग और इवनिंग वॉकिंग करना चाहिए। देखिए, जो हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस से जो मोर्टेलिटी है, जो मरने की संख्या है, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा है जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, या ट्यूबरक्लोसिस है, या जिनका इम्यूनिटी कम है, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, यानी इनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा है। तो डायबिटिक पेशेंट को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो कि उनको अपनी दवाओं को मिस नहीं करना है। दवा जो लिखी हुई है, अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं मेरे से या अपने फिजिशियन से, तो जो भी दवा लिखी हुई है उसको कंटिन्यू करें। दवा की दुकान खुली हुई है, उसको किसी भी तरह से दवा को पहले ऊपर करें। दवा को परफेक्ट डोज में जैसे लिखी हुई है वैसे खाना है,
पहली बात तो ये करनी है, जो परहेज़ है उस परहेज़ पर कायम रहें और उसमें ज़रा भी कोताही नहीं करें। लॉकडाउन होने की वजह से सब लोग घर में बंद हो गए हैं, आप भी डायबिटिक पेशेंट्स भी घर में बंद हैं, तो उनके लिए मॉर्निंग वॉक करना या इवनिंग वॉक करना ये या एक्सरसाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद हो गई है, तो वो चाहें तो अपने घर के छतों पर टहल सकते हैं, जितना प्रिस्क्राइब्ड है 20 मिनट 25 मिनट उस पर टहल सकते हैं, आंगन में टहल सकते हैं। अगर आपके सामने रोड है और आपको लगता है कि आप अकेले चल सकते हैं, जो मोहल्ले के रोड होते हैं या गांव के रोड होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होती है कि आप घर के, तो आप उसमें चल सकते हैं, लेकिन हाँ चलें तो किसी को साथ लेके नहीं चलना है, सोशल डिस्टेंसिंग को बना के चलना है। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लगाई गई लॉकडाउन का लोग पूरी तरह पालन करते दिख रहे हैं। इसको लेकर कई ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य द्वार पर ग्रामीणों ने बैरियर लगा दिया है। रघुनाथपुर गांव में ग्रामीणों ने गांव के मुख्य द्वार को बैरियर लगाकर बंद कर दिया। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि लॉकडाउन तक गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। साथ ही ग्रामीणों ने देश की जनता से लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करने एवं घर में रहकर कोरोना को हराने की अपील की।